यस मैं आ गई मुंबई। अरे भैया बाय करना वहाँ। तो हुआ ये, मैं गई थी माजा लेने के लिए नीचे, तो मेरा ध्यान ही नहीं ट्रेन की तरफ, फिर उन्होंने आवाज दी पूनम पूनम और ट्रेन चल गई थी, बस बच गई मेन की वजह से, नहीं तो फिर वो नीचे ही रहती थी। कल्याण पिक्चर का सीन हो जाता जब भी मेट कल्याण में ये हाथ देती थी नहीं तो डीडीएलजी वाला सीन होता। तो हम आ तो गए है मम्मी और मैं, ऐसे हम दोनों पहली बार आए ऐसे अकेले। अभी फ्रेश होंगे, होटल देखेंगे, होटल में स्टे करेंगे, पहले कुछ खाते, बहुत भूख लगी है। चलो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो मैं कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर मैं मुंबई इसलिए आई हूँ, मैं बताना भूल गई कि मेरा पुलिस भर्ती का ग्राउंड है। तो मैं 3 बजे से ही उठी हुई हूँ, अभी 5 बज गए और यह लग ही नहीं रहा कि मॉर्निंग के इतने, मतलब हमारे औरंगाबाद में तो सब सोए रहे थे इसी टाइम पर, लेकिन यहाँ पर सब चालू है, अलग ही वाइब है। लेकिन पर इस बार मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, शायद स्ट्रेस की वजह से, बट मुंबई में अलग ही वाइब है, मेरी फेवरेट सिटी है। मम्मी क्या हो, मम्मी बहुत सीरियस। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे रहेगा मेरा ग्राउंड एंड वो सब, जब सभी का होता नहीं, क्योंकि इस बार ज़्यादा फॉर्म आया है ना, जगह कम और ज़्यादा फॉर्म। सुबह के 5 बजे से ही हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े थे, और ये ऑडियो रिकॉर्ड मैं घर पर आकर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे शूट करना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और आप देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन खड़ी अभी भी। फाइनली हमें अंदर ले लिया और ये फॉर्म फिल करने के लिए कहा, और मैंने देखा ऑलरेडी लड़कियाँ बहुत सारी वेटिंग पे थी, मेरे कैमरे से अच्छे से शूट नहीं कर पाई, देखते देखते उजाला भी हो गया और हम वहीं पर बैठे थे। और ये देखो, मैं शूट तो नहीं ले पाई अच्छे से, बट बहुत सारी लड़कियां थी वहां पर जो पहले से वेटिंग पर थी, लाखों में फॉर्म आए थे। तो ये भर्ती करीबन 1 महीने से चल रही थी ये फिज़िकल टेस्ट, और 1 महीने बाद आज मेरा नंबर आया। हेलो गाइस, तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत फ़िलहाल तो ठीक है, टैबलेट्स वो लिए मैंने, थोड़ा रेस्ट किया लेकिन फिर इतना दूर आके फिर मैं कुछ इस बारी कहीं गई नहीं, तो मेरा फेवरेट प्लेस है मरीन ड्राइव, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी और मैं वहाँ पे जाएँ, मुझे मतलब बहुत बहुत पीस मिलता है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस में हूँ ना, मतलब बहुत तबीयत ख़राब और है कुछ बातें ऐसे, तो मैंने सोचा कि जाते थोड़ा अच्छा फील होगा। आज तो मतलब मैंने लाइफ के टफेस्ट डिसीजन लिए हैं, मतलब सब देखा है मैंने आज, मतलब यहाँ पे आके एक अलग ही वाइब है। और मैंने जैसे कि ग्राउंड दिया तो बहुत सी बातें, उसके बाद में फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए लाइफ रिलेटेड, आई होप वो मेरे अच्छे के लिए हो, विश करना ऐसे। और चलो देखते आगे हम जाते हैं। और पता नहीं यार, मुंबई में आके मेरी स्किन को क्या हो जाता है, इतनी ग्लो करने लगती है, इसलिए मुझे मुंबई बहुत पसंद है, स्पेशली ये स्किन कलर इतना सही हो जाता है यहाँ पे। और फिर हमारे सिटी में फिर से जाओ तो कुछ अलग ही। तो चलो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो जाते हैं उसको। कटे मम्मी
मंदिर है और फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई इतनी ज़्यादा कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी इस पॉइंट पे, और सच में कोई नहीं था मेरे साथ, बस मेरी मम्मा थी। और डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। फिर मम्मी ने मुझे खिलाया और फिर बस लग रहा था कि मैं जल्दी से घर चली आऊँ, क्योंकि बहुत बहुत ख़राब लग रहा था मुझे यहाँ पे, बस ये वक्त ख़त्म हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था कि यार बस जल्दी से घर चली जाओ। तो गाइस मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई यहाँ पे आके, लिटरली मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही है। तो अभी हम मतलब मैंने बहुत सोचा कि नहीं मैं नहीं जाऊँ कहीं, मैं रेस्ट ही करूँ। और फिर मम्मी ने और भैया ने बोला कि थोड़ा घूम ले, इतने दूर आई है तो मतलब थोड़ा मन भी थोड़ा तबीयत भी ठीक लगेगी। तो फिर मैंने सोचा घूम ली तो अच्छा थोड़ी शॉपिंग ही कर लूँ यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं आंद्रा मार्केट, देखते हैं फिर। चलो अभी मेरी तबीयत बस ठीक है ना ऐसे ही। ये इतनी सारी टैबलेट्स है मेरी, ओ भाई यहाँ पे हम लिंकिंग रोड आए थे और यहाँ का मार्केट 12 बजे चालू होता है। तो फिर अभी हम ये गार्डन आए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, फिर थोड़ा आराम, फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने। हमने शॉपिंग डन कर ली है। मेरी आवाज़ क्या ही बोलना, गला बैठ गया है तो हमें कुछ बोलने नहीं आ रहा है। तो फिर ये देखो इतनी सारी शॉपिंग की मैंने, बार्गेनिंग कर करके मेरे पहले से तबीयत खराब और फिर से गला बैठ गया। तो इसका मतलब ये था कि मैं बाद में ऑडियो रिकॉर्ड डाल दूँगी। और फाइनली हम जा रहे थे घर, तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।